कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। केरल, कर्नाटक और तेलंगाना का सफर पूरा करते हुए यात्रा महाराष्ट्र पहुंची। राहुल गांधी के साथ उनके तमाम समर्थक और कार्यकर्ता भी हैं, जो इस यात्रा को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से राहुल गांधी ने हाथ में तिरंगा और मशाल लेकर अपनी भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में राहुल गांधी मौजूद थे, गुरु नानक जयंती का मौका था, तो ऐसे में वक्त निकालकर राहुल गांधी नांदेड़ के देगलूर में स्थित यादगारी बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह के गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए पहुंचे। यहां पर राहुल गांधी ने अरदास भी की। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में अब अगले 14 दिनों तक रुकेगी और अलग अलग क्षेत्रों का मुआयना करेगी। सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल तमाम कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र की धरती पर कदम रखा। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र पहुंचते ही छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा बसवेश्वर, महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाओं का माल्यार्पण भी किया और यहीं से अपनी यात्रा का आगे के लिए कूच कराया। सोमवार रात महाराष्ट्र की सड़कों का नजारा बिल्कुल अलग था, क्योंकि हजारों मशाल लेकर राहुल गांधी और उनके समर्थक महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के देगलूर में दाखिल हुए। इस दौरान नाना पटोले को तिरंगा सौंपा गया। दिलचस्प बात यह रही कि राहुल गांधी का मराठा अंदाज में जोरदार स्वागत भी किया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत लगभग 60 दिन पहले हुई थी और ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान अलग अलग अंदाज में दिख रहे हैं। कभी वो दौड़ लगाते हुए नजर आते हैं, कभी बच्चों के साथ मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी पुशअप्स करते हुए दिखते हैं। राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो बिल्कुल नए और अलग अंदाज में दिख रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें वो लोगों को गले लगा रहे हैं। बता दें, महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी ने जब अरदास की और यादगारी बाबा जोरावर सिंह को याद किया तो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा भी की। राहुल गांधी तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखते हैं, महाराष्ट्र में यात्रा की शुरुआत गुरु पर्व के शुभ अवसर पर गुरुद्वारा यादगारी बाबा जोरावर सिंह जी फतेह सिंह जी में अरदास की। गुरु नानक जी के प्रेम, शांति और भाईचारे की सीख को दिल से लगाकर हम भारत जोड़ने का ये संकल्प पूरा करेंगे। सभी देशवासियों को गुरु पर्व की लाखों बधाइयां। तो देखा आपने राहुल गांधी किस तरह से अपनी भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस यात्रा के तहत वो दूसरे दलों के निशाने पर भी हैं। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, लेकिन राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें चुनावों से कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं बल्कि राहुल गांधी की व्यक्तिगत यात्रा है। अब आप बताइए, महाराष्ट्र में हाथों में तिरंगा और मशाल लेकर राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ता जिस तरीके से दाखिल हुए, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं?